मैं आप सबसे निवेदन करने आया, 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको। जात के नाम पर नेता आकर ठग जाते हैं, कभी धर्म के नाम पर ठग जाते हैं, कभी कुछ झूठे वादे करके ठग जाते हैं, और फिर 5 साल आप लोग पछताते हो। यही वजह है कि पिछले 5 सालों में एक भी घर का नौकरी नहीं लगा। आप में से जितनी बैठी हो, अगर एक भी घर से कोई पुलिस हो जाता, कोई फौज में चला जाता, तो घर की दशा बदल जाती। जवान बहन की भी शादी हो जाती, उसकी भी शादी हो जाती, बेटे भी पढ़ लेते, परिस्थितियाँ बदल जाती। सरकार नहीं चाहती है कि कोई किसी गरीब के घर का बेटे को नौकरी मिले, क्योंकि अगर आपके घर के बेटे की नौकरी मिल गई तो अपने बाल बच्चों को पढ़ाएगा, और जब बाल बच्चे पढ़ लिख कर समझदार हो जाएंगे तो कहेंगे कि हमें 5 किलो अनाज ना चाहिए, हमको तो नौकरी चाहिए। और नौकरी मिली तो आपको फिर समझदार बन जाएगा। बहुत गहरा साजिश बटे, बहुत गहरा धोखा दिया जाता, लेकिन खूब बढ़िया बढ़िया भाषण दे के 5 साल में जब वोट का टाइम आएगा तो बेवकूफ बना दिया जाओ। जे आज हमारे खिलाफ खड़ा भेल बा, आप सब उनसे पूछते कभी कि जब कोरोना आई रहे तो कहाँ रहला, लॉकडाउन भे रहे तो कहाँ रहला, दूर कहाँ हैं, बिंटुलिया में बाढ़ कटान भे रहे, तो सरकार कहीं नहीं थी। आपका ये बेटा और भाई वहाँ अनाज और त्रिपाल लेकर घूम रहा था, फोटो देख लीजिएगा। पूछिएगा कि कहाँ थे सरकार, पूछिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी से आए हैं वो क्या कर रहे थे, जो हाथी वाले पार्टी से आए हैं वो क्या कर रहे थे। अरे जी, आपके दुख सुख में रहे हुए ना, आप क्या पल हुई लड़को लायक होना तब उनके माई बाबा आशीर्वाद देला, दुआ देला। जो लोग खाली चुनाव में आते हैं, आपको ठग कर चले जाते हैं, आपको बेवकूफ बना के चले जाते हैं, वो आपके कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देते हैं। अगर 5 साल में लेकर के नौकरी ना लागल, 5 साल में महंगाई बढ़ गई, 5 साल में भ्रष्टाचार बढ़ गई, तो आप सब खुदे सोचो कि आपकी जिंदगी के क्या हालत बा, भूखमरी के कगार पर चले हैं। घर में जवान बेटी हो जाने, शादी करे लगा जला, तो मातारी बाप के ऊपर का बीतेला। आजकल प्रधानमंत्री जी मंगल सूत्र कर रहा। 5 साल पहले सोना का क्या कीमत रहे, मन पर था। ए चाची, ऐसे ही बतियावत रहे जो 5 साल ठगत रहे, ऐसा कौन हो ना, सत्यनारायण भगवान के कथा नहीं ठीक कहत, हम तारे दुखो बताओ तरी। हाँ हाँ, अब तक सुना काम वाली बात, वो तो गई ना, आगे का हो सुना।